हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अपने अपने घर पे अच्छे होंगे। और आज एक्चुअली मैं काफी दिनों के बाद जो है वो वीडियो बना रही हूँ, और रीजन सिर्फ एक ही है। एक्चुअली मेरे को ऑफिस जाना होता है और इतना टाइम नहीं मिल रहा आजकल, बट यस फाइनली आज मैंने थोड़ा सा टाइम निकाला है आप लोगों के लिए और मैं ये वीडियो बना रही हूँ। और आई होप आप लोग सब इस बात को समझ रहे होंगे मैं क्यों वीडियो नहीं बना पा रही। मैंने बोला मैं ऑफिस जा रही हूँ और थोड़ा सा बिजी होती हूँ, इसलिए मेरे पास टाइम ही नहीं मिल रहा मुझे वीडियो बनाने का। बट येस, मैंने कुछ एक्चुअली अपनी बेटी के लिए कपड़े लिए थे, तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों के साथ इसको शेयर किया जाए। अगर आपको क्वालिटी अच्छी लगती है तो आप लोग भी इसको अपने अपने बच्चों के लिए, जो भी मदर्स हैं एक्चुअली में, क्योंकि हम मदर्स को काफ़ी शौक रहता है ना कि हम कोई भी चीज़ लेने से पहले उसको अच्छे से चेक करते हैं। मैं भी चेक करती हूँ, मैं भी यूट्यूब पे चेक करती हूँ रिव्यूज़, राइट। तो आई होप जो कपड़े मैंने लिए हैं, मैं उसका जो भी रिव्यू यहाँ पे कर रही हूँ, क्वालिटी वगैरह जो भी मैं आपको बताऊँगी, और वो लोग भी जाके ऑनलाइन परचेज कर सकते हैं। तो मैंने कह रहा कि जितने भी कपड़े लिए हैं, एक्चुअली उसका बर्थडे था तो हमने काफ़ी सारी शॉपिंग करी उसके लिए ऑनलाइन, और मैंने उसके लिए चप्पलें ली, शूज़ लिए, हाँ, एंड स्लीपर्स आई मीन, ठीक है। और कुछ कपड़े मैंने बाहर से भी लिए हैं लोकल शॉप से, तो सारी चीज़ें मैं अभी शेयर करने वाली हूँ इस वीडियो में। तो बस अभी मैं आपको दिखाती हूँ धीरे धीरे कि मैंने उसके लिए क्या परचेज करा है, कौन सा ऑनलाइन लिया है, कौन सा मैंने ऑनलाइन कौन सा मैंने बाहर से लिया था, आई मीन शॉप से लिया, और कौन सा मैंने ऑनलाइन परचेज करा था। और मेरे पास जितनी भी पिक्स होंगी, अगर मैंने कैरो को, अब क्योंकि मैंने मोस्टली अभी तक कैरो को एक खादी ड्रेस ही पहनाई है उसमें, और उसकी पिक्स होंगी तो मैं यहाँ पे या राइट या लेफ्ट में कहीं पे भी वो वाली पिक्स जो है वो अपलोड कर दूंगी। तो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले मैं बात कर रही हूँ इस ड्रेस की। तो ये वाली जो जीन्स आप लोग देखोगे, ये जीन्स जो है ये मैंने हॉपस्कॉच से मंगवाई है, और इसका जो साइज, एक्चुअली कैरा भी 5 ईयर्स की होने वाली है, तो इसका जो साइज था इट्स 5 to 6 ईयर्स, क्योंकि कैरा जो है वो थोड़ी सी हेल्थी है तो उसको ये बहुत बहुत प्यारा लग रहा था, बट अभी तक मैंने उसको पहनाया नहीं और उसकी कोई भी मेरे पास पिक नहीं है। तो जैसे भी मैं फिर भी उसको पहना के एक पिक जो है वो मैं अपलोड कर दूंगी यहाँ पे। तो क्वालिटी अगर बात करूँ तो जीन्स की क्वालिटी काफी अच्छी है, बाकी रेस्ट मुझे अभी प्राइस नहीं पता, तो प्राइस भी मैं चेक करके यहाँ पे कहीं मेंशन कर दूंगी। आप लोग लिंक पे जाके वहां से अगर आपको लेनी है ये जीन्स अपने बेबी के लिए या अपने बच्चे के लिए, तो आप लिंक दे सकते हो। बहुत ही क्यूट सी ये जीन्स है, और इस पे ये कुछ टेडी बियर्स, ये शेर, ये छोटे छोटे से 2 टेडी बियर्स और ऊपर बने बने हैं। और क्वालिटी वाइज बोलूँ तो क्वालिटी अच्छी है जीन्स की। ओके, तो ये था, ये थी मेरी फर्स्ट जीन्स जो हमने कैरा के लिए ऑर्डर करी थी हॉपस्कॉच से। तो क्वालिटी वाइज अच्छी है, अगर आप लोग लेना चाहो तो आप लोग ले सकते हो। और इसके बाद में मैंने एक्चुअली में एक ली है ड्रेस, और वो मैं आपको ड्रेस दिखा देती हूँ। हाँ, तो ये भी मैंने हॉपस्कॉच से जो है वो परचेज की है। ओके, ठीक है। और इसका जो सबसे, इसमें जो मुझे सुंदर लगा था वो इसका ये टॉप था, ये व्हाइट कलर का इसका टॉप है, और ये भी मैंने हॉपस्कॉच से परचेज करा। तो जितना भी अभी मैं आपको स्टार्टिंग में सारे हॉपस्कॉच वाले प्रोडक्ट्स दिखा रही हूँ, और लास्ट में मैं आपको दिखाऊंगी जो मैंने बाहर से ऑर्डर करे थे। तो ये ड्रेस मुझे बहुत अच्छी लगी, और इसकी पिक्स मेरे पास है, मैं यहाँ पे कहीं पे अपलोड कर दूंगी, ठीक है। कैरा को मैंने पहना के इसकी फोटो खींची है, तो वो मैं यहाँ पे अपलोड कर दूंगी। तो ये भी, इसके साथ ये बेल्ट भी थी, और इसकी जो मुझे कॉस्ट पड़ी थी वो पड़ी मुझे 1290 की कुछ मुझे ये ड्रेस पड़ी थी, और ये भी मैंने जो साइज है इसका, ये भी 5 to 6 ईयर्स है। और अब बात कर लेते हैं थर्ड ड्रेस की। तो जो थर्ड ड्रेस मैंने ऑर्डर करी है वो है तो ये कार्गो टाइप पैंट है, ठीक है, और ये एक कंप्लीट पेयर था, और इसके साथ मुझे ये टी शर्ट और ये स्पेगेटी जो है ये मिली है इसके साथ। और इसकी कॉस्ट, इसका जो प्राइस, आई डोंट नो, बट मैं इसको चेक करके वो भी मैं यहाँ पे मेंशन कर दूंगी। अभी तक मैंने इसको पहनाया नहीं है, मैंने कह रहा को पहनाया नहीं है ये, तो जब भी मैं इसको डालूंगी तो उसकी पिक्स भी मैं यहाँ पे अपलोड कर दूंगी। एंड द थर्ड, ओके नो, तीसरी तो चलेगी, अभी मैं फोर्थ वाली दिखा देती हूँ आपको। तो ये वाली जो है, ये ड्रेस मेरी फेवरेट है, बिकॉज आजकल जो है पर्पल का काफी ट्रेंड चल रहा है, पर्पल कलर का काफी ट्रेंड में चल रहा है। तो ये एक लोवर है, और इसके साथ जो
ऊपर ये है इलास्टिक लगी है काफी अच्छी और बहुत ही कंफर्टेबल है। इसका जो मटेरियल है काफी पतला है, आई मीन बेबीज को ज्यादा मतलब चुभेगा नहीं, चुभने वाला मटेरियल नहीं है, बहुत ही सॉफ्ट सा कपड़ा है ये। और इसके साथ ये टी शर्ट है और अभी ये भी मैंने पहनाया नहीं है इसको, बट यस जब भी मैं इसको पहनाऊंगी इसकी जो भी फोटोज होंगी मैं यहाँ पे अपलोड कर दूंगी। और इसके साथ मैंने एक्चुअली मैं ये कैप ली है, ये एक्चुअली मैंने हॉपस्कॉच से नहीं, ये मैंने बाहर लोकल शॉप से ली है, ठीक है। और इसके साथ मैं आपको बताती हूँ कि इसको मैं मैचिंग कैसे करने वाली हूँ। तो ये मैं पहनाऊंगी इसको, एक तो ये ड्रेस ये वाली जो ड्रेस है ठीक है इसको पहनाऊंगी, देन ये कैप आ जाएगी इसके साथ, और इसके साथ मैं इसको पहनाने वाली हूँ शूज, ठीक है। और ये वाले जो शूज हैं ये भी मैंने हॉपस्कॉच से लिए हैं और ये शूज बहुत प्यारे हैं और आप लोग देखिए, ठीक है। तो शूज की क्वालिटी बहुत अच्छी है और इसमें लाइटिंग भी है, मैं आपको लाइटिंग दिखा देती हूँ, वेट थोड़ा सा, यस। तो कुछ इस तरह से इसमें लाइट्स हैं, एलईडी शूज बोलते हैं हम इसको, ठीक है। तो इसकी कॉस्ट जो मुझे पड़ी थी वो पड़ी थी मुझे 900 समथिंग। तो इसका जो लिंक होगा वो भी मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी, एंड प्लस जब भी इसको कैरा पहनेगी वो भी मैं आपको दिखा दूंगी, राइट ठीक है। तो आप मुझे बता, फोटो पक्का दिखाऊंगी कि ये कैरा कैसी लग रही थी, ओके। और उसके बाद हमने ये लिए हैं एक कैरा के लिए स्लीपर्स घर पहनने के लिए, ये भी मैंने हॉपस्कॉच से ऑर्डर करे थे, ठीक है। इसका साइज जो है वो कैरा का 26 है और 5 to 6 ईयर्स, यस ठीक है। आई होप आपको अच्छी लग रही होंगी मेरी वीडियो और आप लोग क्वालिटी एक्चुअली में देख सकते हो कि प्रोडक्ट कैसा रिसीव हुआ है। तो हॉपस्कॉच की यार क्वालिटी काफी अच्छी है बच्चों के लिए, जितने भी मदर्स हैं अगर हॉपस्कॉच से अभी तक जिन्होंने शॉपिंग नहीं कर रही, अगर वो डर रही हैं कि मतलब ऑनलाइन कपड़ा कैसा आएगा या उनका मटेरियल कैसा आएगा, तो आई थिंक बेस्ट रेट में आपको क्वालिटी भी अच्छी मिल रही है और स्टाइलिश कपड़े भी आपको मिल जाते हैं, ठीक है। तो बात कर लेते हैं दूसरे स्लीपर्स की। तो ये वाले स्लीपर्स भी मैंने कैरा के लिए हॉपस्कॉच से ऑर्डर करे और ये ब्लैक कलर में है, इसके ऊपर ये सिल्वर कलर के कुछ हार्ट्स बने हुए हैं अभी इसमें, लेकिन एक्चुअली ये थोड़ा सा साइज कैरा को बड़ा है, बट ये हम इसको रख रहे हैं, हम इसको वापस नहीं करने वाले। इसमें इसका जो साइज था वो 28-29, तो ये कैरा को थोड़ा सा बड़ा है, बट हम इसको रख देंगे, जब कैरा थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी और तो हम ये कैरा को पहनाएंगे, ठीक है, ओके। और अभी ये वाली एक ड्रेस, हाँ ये तो मतलब कह रहा कि शॉपिंग है बर्थडे की, ठीक है। तो हमने इसको काफी सारी चीजें लेके दी हैं ऑनलाइन और बाहर से भी, तो अभी मैं आपको ये एक ड्रेस और दिखा रही हूँ। ये एक्चुअली मैं ये वाली जो ड्रेस है ये इस कह रहा को इसकी मासी ने एक्चुअली गिफ्ट करी है और ये मैक्स से ली है, और मेरे पास इसकी पिक्स अगर होंगी तो मैं आपको दे दूंगी, आई मीन दे क्या दूंगी, लगा दूंगी आई मीन इधर, तो आप लोग देखना, बहुत ही प्यारा सा इसका कलर है। कैरा पे एक्चुअली ना डार्क कलर्स बहुत अच्छे लगते हैं और कभी कभी इस पे लाइट कलर भी अच्छे लगते हैं, बट मतलब कैरा पे हर कलर जो है वो अच्छे लगते हैं, ठीक है। तो ये इसकी मासी ने इसको गिफ्ट करी है, तो थैंक यू मासी को, थैंक यू बर्थडे पे ये गिफ्ट करने के लिए। एंड अब रह गया हमारे पास, ओके तो कैरा की जो बर्थडे में जो कैरा को हमने फ्रॉक पहनाई थी उसकी मेरे पास वीडियो बनी है, वो वीडियो मैं यहाँ डाल दूंगी, मैं आपको फ्रॉक दिखा देती हूँ। ये फ्रॉक मैंने एक्चुअली लोकल आई मीन शॉप से ली थी और ये मुझे पड़ी थी 2500 की, तो मैं आपको फ्रॉक दिखा देती हूँ। सीक्वन का इस पे वर्क हो रखा है, ब्लैक कलर की ये ड्रेस है और बहुत ही प्रिटी है ये ड्रेस, आई होप आपको दिख रही होगी, यस ठीक है। और अंदर से भी अगर मैं बात करूँ तो इसके काफी सारे अंदर जो है लेयर्स हैं, आई मीन और चुभने वाली नहीं है, तो बहुत ही कंफर्टेबल थी और कैरा को बहुत अच्छी लगती थी, क्योंकि कैरा को ना एक्चुअली में पार्टी वेयर ड्रेस बहुत अच्छी लगती है, वो मतलब कपड़ों के मामले में तो बहुत ही आई मीन अभी से इस एज में उसकी चॉइस बहुत अच्छी है और ये ड्रेस उसने खुद पसंद करी है। तो ये हमने उसको बर्थडे में बनाई थी, कैरा का बर्थडे, सॉरी गाइस कैरा का बर्थडे ऑलरेडी हो चुका है, मैं ब्लॉग नहीं बना पाई क्योंकि यार इतना टाइम नहीं मिलता, क्योंकि ऑफिस भी था, फिर आके इसका बर्थडे भी सेलिब्रेट करना था, एक दिन की मेरे पास छुट्टी थी, उसमें हमने इसके कपड़े भी लिए और कैरा को गिफ्ट भी लेके देना था, तो बस इसलिए थोड़ा सा बिजी थी इसलिए ब्लॉग नहीं बना पाई, और दैट्स इट। सो आप लोग मुझे बताना कि कैरा की शॉपिंग आपको कैसी लगी, आई होप आपको कैरा की जितनी भी मैंने अभी तक चीजें दिखाई हैं आई नो आपको अच्छी लगी होंगी, और लिंक्स मैं दे दूंगी नीचे, प्रोवाइड कर दूंगी, और दैट्स इट।
अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हो तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को. एंड आई बिलीव मैं वीडियोस अपलोड करती रहूंगी, बट यस सॉरी मैं बहुत लेट वीडियोस अपलोड कर रही हूँ क्योंकि मेरे पास आजकल टाइम नहीं हो रहा थोड़ा सा, क्योंकि आपने मेरी वीडियोस ऑलरेडी देख रखी है कि मैं घर पे भी मुझे खुद काम करने होते हैं, तो इसलिए टाइम नहीं मिलता यार वीडियोस बनाने का. तो आई होप आप लोगों को समझ आ रही होगी. एंड दैट्स इट. सो थैंक यू सो मच गाइस एंड लव यू.